शिव्यूस वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये है हमारा मेडिकल सेगमेंट जिसमें हम बात करने वाले हैं, जिसमें बात करने वाले हैं। मैं बताती हूँ, उससे पहले मैं पोल का जो हमारा आज का फ़नी सा सवाल है वो मैं रिपीट करती चलूँगी। वो फ़नी है, वो अब हो गया है। जब वो हो रहा था तो वो तब फ़नी नहीं था, वो तब बहुत ट्रैजिक था। अभी भी अगर हम सोचें तो वो बहुत ट्रैजिक होता है। हमारा सवाल है कि क्या शहज़ादा सलीम ने अनारकली के साथ इंसाफ, बादशाह शहनशाह अकबर ने अनारकली के साथ इंसाफ किया, हाँ या नहीं? और शहज़ादा सलीम का रोल क्या था बीच में, ये भी आप बता सकते हैं। अब हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में जो माजूरी होती है, जो कि बहुत टाइप्स की होती है, वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। हम उस पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ उसके लिए मौजूद हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में होते हैं, एंड उनका नाम भी मैं बताती चलूँ। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। जी अच्छा, इनके साथ अभी हम इनसे पूछते हैं डिसेबिलिटीज़ के बारे में, लेकिन इनके साथ साथ मौजूद हैं एक फादर और उनके बेटे, जो आपने मल्टीपल टीवी चैनल्स पे देखे होंगे, काफ़ी इनको मीडिया कवरेज मिल चुकी है। माशाल्लाह अपने वालदेन का भी नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। सिंस डिसेबिलिटी पे बात हो रही है तो वो थोड़े से डिसेबल भी हैं, किस तरह वो डिसेबल हैं उस पर आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को जो है अपनी वो एक जैसे कि आड़ नहीं बनाया, कमज़ोरी नहीं बनाया, एंड माशाल्लाह द वे ही इज़ राइट नाउ, हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल इंसान सिर्फ सोच ही सकता है कि वो उस मकाम पर पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं आदम बिन ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आदम? ठीक ठाक। आदम के साथ जो हैं उनके फादर मौजूद हैं, ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, अब इन लोगों से जो है ना हम अभी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो है पोल का सवाल है, कोई भी जवाब दे सकते हैं, तो डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, अनारकली के साथ सही हुआ? सही हुआ होगा उस जमाने के हिसाब से तो ठीक हुआ होगा। के हिसाब से क्या बात है, एक अभी एक आई थिंक दूसरा वोट आया जिसने कहा सही हुआ होगा जमाने के हिसाब से। यहाँ तो सब आके गुस्सा हो रहे कि नहीं, अनारकली के साथ सही नहीं हुआ, शहज़ादा सलीम के साथ भी होना चाहिए था। नहीं वो तो है, तो आपको पता है कि जमाने के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, तो उस वक्त की लिटरेसी लेवल और उस वक्त की सोच के मुताबिक उन लोगों को लगा वो सही हो रहा है, जो आज हमें लगता है कि सही नहीं हुआ, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आदम से पूछते हैं, आदम आप बताओ, इंसानियत के तौर पर बताऊंगे, ऐसे ही बताऊं? ऐसे ही बता दो, पर इंसानियत के तौर पर बताना। इंसानियत तो कहती है कि ना करो, वैसे डॉक्टर अंकल ने सही कहा। डॉक्टर अंकल ने सही कहा। चले जी, ताहिर साहब से पूछ रहे, ताहिर साहब आप बताइए। हाँ बिल्कुल दुरुस्त किया भाई, बिल्कुल दुरुस्त किया, जो भी हो ऐसा उसे जिंदा दरबार में चलवा। आपको लगा वो सही पनिशमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, पनिशमेंट देनी भी चाहिए थी। जी जी बिल्कुल सही थी। जाहिर सी बात है, बादशाह के महलों में राज करेगी और वो भी एक सर्वेंट, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो शायद अगर हमारे मुगलों के दरबार में बराबर होते हैं, सब इंसान एक जैसे होते हैं, सर्वेंट भी इंसान है, एक बड़ा इंसान भी इंसान है, फिर पैसों का फर्क है ना। हाँ ना, मुगलों की सबसे बीमारी यही थी कि वो खाने से पहले अपने नौकरों को वो चावल खिलवाते थे जिसने पकवाया होता था। अच्छा, ताकि अगर उसमें जहर है तो वो नौकर पहले मारे फिर बात से। ये तो पॉइंट है, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उस जमाने में होती थी, खैर अब अल्लाह का शुक्र है वो सब चीजें नहीं होती हैं। नहीं पाकिस्तान में होती है। लो जी, आदम से ये भी पूछेंगे पाकिस्तान में किस तरह बताएगा आदम पाकिस्तान में क्या होता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब से हम सबसे पहले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, डिसेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एबिलिटी जो डिस हो गई है, मतलब इन अ सेंस के वो नहीं है, वो कितनी टाइप्स की है? देखिए बेसिकली डिसेबिलिटी एक तो मेंटल डिसेबिलिटी होती है, एक फिजिकल होती है। मेंटल में इंसान की सोचें समझें की सलाहियत, उसकी कॉग्निशन, उसकी परसेप्शन, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच विचार में कमी आ जाती है। जिस्मानी माजूरी में यह है या जिस्मानी डिसेबिलिटी में यह है कि इंसान को देखने का, सुनने का, चलने का, बोलने का, उसकी एक्टिविटीज़ जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं उसमें उसको किसी कदर कमी महसूस होती है या वो कम कर पाता है दूसरे नॉर्मल शख्स। एक्चुअली हम इसके लिए आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल में थोड़ा कंपेयर करना पड़ता है। एबनॉर्मल से मराद ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है, एबनॉर्मल से मराद होता है कि उनमें एबिलिटी होती है लेकिन कम होती है। They have the less ability than the normal population
बट दैट डिसेबिलिटी कैन बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर सेल्फ एंड फॉर दी अदर्स. तो उनको खुद को भी जो है उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है और दूसरों को भी जो है उससे किसी कदर फायदा पहुंचा सकते हैं. अब ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट नहीं है, कि पार्शियल है, ये रिलेटिव है, ये कंप्लीट तो नहीं है, ये पार्शियल होती है. अब उसको आप अपनी दूसरी चीज़ों से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल किसी में अगर हियरिंग का प्रॉब्लम अगर है तो वो अपनी विजन को ज़्यादा यूज़ करके उसको ओवरकम कर सकता है. तो इस लिहाज से ये एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है. अच्छा, इज इट इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में होता है कि कोई एक चीज़ हमारी कॉम्प्रोमाइज है तो हम दूसरी चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर लें? कैपेसिटी होती है ना हर चीज़. यस, ये तो सिचुएशन के मुताबिक होता है. जब आपकी जाहिर बात है, आप देख रहे हैं ब्लाइंड लोग जो हैं वो देख तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप रोड पे उनको चलते हुए देखें तो आपको हैरत होती है, फील करने की सेंस बहुत शार्प. जहाँ वो जी हाँ, उनकी दूसरी जो परसेप्शंस होती है वो ज़्यादा हो जाती हैं. लिहाजा वो अकेले में भी आ जा सकते हैं, बसों में भी सफ़र करते हैं और ऑफिस में भी जाते हैं और उनको कोई किसी किस्म का चोट का भी इत्तेमाल नहीं होता. अक्सर आपको पता ही नहीं चलता रहता, वो खुद ना बताए कि मैं ब्लाइंड हूँ. जी हाँ, ये भी ऐसे होता है. सो नॉर्मल के नहीं. जी हाँ, बिल्कुल. बर्थ डिफेक्ट्स भी कुछ होते हैं? जी हाँ, बर्थ डिफेक्ट डेफिनेटली होते हैं, जो कि पैदाइश के फौरन बाद कुछ तो ज़ाहिर हो जाते हैं, कुछ जो है कुछ अरसे के बाद, जैसे 4 महीने बाद या 6 महीने बाद ज़ाहिर होते हैं. तो ये इनकी भी अलग अलग किस्म्स होती हैं, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं. तो कुछ तो होते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आपको पता चल जाता है कि बच्चा जो है पैदा होने के बाद उसने क्राई नहीं किया, उसने फीडिंग नहीं किया, बच्चा ब्लू हो गया. तो अगर वो वाकई में ज़्यादा देर तक ना रोए तो उसकी तो डेथ हो जाती है ना? डेथ हर सूरत में तो नहीं होती. में कहते हैं ऑक्सीजन नहीं जी, ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स में और उसकी सप्लाई ब्रेन में कम होती है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है. हेमरेजेस भी हो जाते हैं उस वक्त? जी हाँ, वो उसकी तो बहुत सारी वजूहत, उसमें हेमरेजेस भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकते हैं ड्यूरिंग बर्थ. अगर अनस्किल्ड जो है वो डिलीवरी है, जो कि अनस्किल्ड लोग करते हैं, जैसे कि दांतों में दहियाँ वगैरह जैसे आप बता रही हैं, तो उसमें फिर ट्रामा होने का भी खदशा होता है, ब्रेन को चोट लग सकती है, तो जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन अच्छा मुझे एक चीज़ इसमें मेंटल रिटार्डेशन मेरे जहन में आ रही है. अगर ऑक्सीजन सप्लाई फॉर इंस्टेंस उसी वक्त फ़ौरन नहीं बच्चे की होती है, वो थोड़ा ब्लू पड़ जाता है, साइनोसिस हो जाता है उसे, तो क्या उसके बाद वो चले उसे रिकवर कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन अगर किसी एरिया में उस वक्त नहीं पहुँची थी वो जगह डैमेज हो गई फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ? यस, ऐसे ही होता है. जी हाँ, लेकिन उसमें होता है कि अगर आप इमीडिएटली उसको बच्चे को रीससिटेट कर दें, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें, एक्सेसिव नहीं, ऑप्टिमम अमाउंट में कहूँगा, मुनासिब मकदार में, ज़्यादा भी बाज़ दफ़ा टॉक्सिक होती है ऑक्सीजन, तो वो ऑप्टिमम अमाउंट में ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द डाइज एडवाइस ऑफ द डॉक्टर अगर आप दें, तो उसमें आप जो डैमेज हुआ होता है उसको किसी कदरे आप कम कर सकते हैं और कुछ और रिकवर करा सकते हैं, और कुछ कंडीशन में तो 100% नॉर्मल रिकवरी भी हो जाती है विदाउट एनी डैमेज. ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपने उसको इंटरवेंशन दी है. हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहे हैं जी? कौन बात कर रहे हैं? सैयद अमजद अली जाफरी मेरा नाम. कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है. बहुत अरसे बाद जी. हाँ जी, अर्ज ये है कि आपने सवाल ये भी प्रोग्राम अनारकली से शुरू किया था, तो अर्ज ये है इस सिलसिले में कि अनारकली के भी दिल था, और दिल तो किसी पे भी आ सकता है, और आप जाहिर है कि दिल दिल है, तो उसे रिस्पॉन्स क्यों दी शहजादा सलीम ने? इसलिए अगर वो एनकरेज ना करता तो वो आगे ना बढ़ती, दोनों को सजा मिलनी चाहिए थी. बिल्कुल. अब मैं इस आज के प्रोग्राम की तरफ आता हूँ. बात यह है कि हम ज्यादातर हुकूमत और डॉक्टरों पे इल्जाम देते रहते हैं या उनकी जिम्मेदारी को कोसते रहते हैं कि उन्होंने गलत किया, और सालों में शोर मचता रहता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी भी कितनी जिम्मेदारी है. अगर कोई बच्चा माजूर पैदा हुआ या माजूर हो गया, ज्यादातर उसमें हमारी गलती होती है. बहुत कम ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ. अगर एक्सीडेंट भी हम कार चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती. पहली बात तो ये कि हमारा मजहब जो है हम बहुत जोर देता है सफाई पे, एहतियात पे, और हम मजहब को तो सोचते ही नहीं है, दूसरों को, अपने आप को देखते नहीं है, दूसरों को कहते रहते हैं. अगर हम एहतियात बरतें
तो बहुत सारी माजूरियां कम हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि माजूर हो गया तो हम उसे बिल्कुल ही निकम्मा समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरे अपने दो भाई जो हैं वो गुंगे थे, वो पढ़े और जो हैं वो पढ़ लिख के उन्होंने बहुत अच्छा, अब तो दोनों जिंदा नहीं है दुनिया में, एक तो रेलवे में फोरमैन तक गए, जबकि वो गुंगे थे बिल्कुल नहीं सुनते थे, लेकिन वो फोरमैन तक जो है गए। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर माजूर को माजूर ना समझा जाए, हर माजूर को अल्लाह ताला ने कोई गैर मामूली सलाहियत दी होती है, उनको उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। बहुत सारे हैं, मैं तो आपके प्रोग्राम का वक्त आ जाऊंगा अगर मिसालें देनी शुरू नहीं। आपने एक एग्जांपल दिया, यही बहुत इनकरेजिंग है, एंड यू आर वेरी राइट, अगर हम उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें तो वो बिल्कुल बल्कि हमसे भी बढ़ के होते हैं, है ना। ज़हनी तौर पे माजूर मेरे अपने क्लिनिक में आए, उन्हें देखा और उन्हें फिर बताया कि आप में ये है और वो आज रोजी कमा रहे हैं। तो इस तरह होता है, माजरत में आपका इतना सारा वक्त ले लिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, हम बात कर रहे थे डिसेबिलिटीज पे, तो अब मैं आदम से पूछूंगी। आदम, अच्छा मुझे बताइए कि क्या आपको क्या इनिशियली बताया गया कि क्या आप नहीं कर सकते, किस चीज़ की डिसेबिलिटी है? मेरे अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं, आई कैन नॉट रीड, आई कैन नॉट राइट। ओके, यू कैन नॉट रीड, यू कैन नॉट राइट, और मुझे रास्तों का भी नहीं याद रहता, रास्ते भी नहीं याद रहते। ओके, और नाम याद रहते हैं, शक्लें याद रहती हैं? नहीं, अगर नाम, अगर बार बार लोग आते रहे जाते रहे तब तो याद रहेगा, वरना एक दो बार मिलेंगे तो भूल जाएंगे। एक दो बार मिला तो भूल गया। कैलकुलेशंस में कैसे? लेकिन अगर मशहूर नाम है तो, अब जैसे साहिर से मैं एक बार मिला था लेकिन वो मशहूर नाम है इसलिए तो याद है। सही, अच्छा अब मुझे पता है कैलकुलेशंस में कैसे? नहीं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा वो है, तो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सही, अच्छा ये बात अब हम आदम के फादर से पूछते हैं। अच्छा, आपको कब लगा, आपके पैसे से पहले बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? पांच बच्चे हैं। पांच बच्चे हैं, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए आदम कौन से नंबर? आदम सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं, और इसके बाद जो चार और बच्चे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम इशू? मतलब वो चारों इशू वाले हैं? वो चारों इशू वाले हैं, आदम इशू वाला नहीं है। जिसको इशू कहा जा रहा है वो मेरी नजर में इशू नहीं है। वो इशू नहीं है, और वो इशू है क्योंकि वो इस बीमार सोसाइटी के अंदर बीमार लोगों की तरह, सेहतमंद बच्चों की तरह मौजूद है। अच्छा। जिस तरह से वो स्कूल में जाते हैं, जिस तरह की चीजों को वो देखते हैं, उनकी कमर पे जो बस्ते लदे हुए होते हैं, वो उनका इतना वजन है जिन्होंने उनको कुबड़ा बना दिया है, पूरी सोसाइटी के बच्चों के साथ ये एक बदतरीन रवायती अंदाज इख्तियार किया हुआ है, और उनको एवरेज और नॉर्मल बच्चा कहा जा रहा है। उस एवरेज और नॉर्मल बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पूरी एक कौम की तादाद बन चुकी है, और उस कौम की तादाद से उन बच्चों के बढ़ने के बाद ये पूरी कौम आज बीमार कौम की शक्ल में मौजूद है। तो उसकी मेन वजह ये अपने बच्चे को बीमार कहे जा रहे हैं। चारों यानी जो चारों जिनको नॉर्मल कहा जा रहा है, उस सोसाइटी के अंदर वो नॉर्मल बच्चों का तनासुब कितना है? आदम जैसे बच्चों का तनासुब क्या है? आदम जैसे बच्चों का तो तनासुब ही नहीं है। अगर इसी तरह से वो तमाम बच्चों की निगहदाश्त को, इसी तरह से तमाम बच्चों की बेहतरी को देखने की बात करें तो पूरी सोसाइटी आदम की तरह स्ट्रांग और कवि सोसाइटी बन सकती है ना। जब आदम अपने मसाइल के साथ होने के बावजूद इतना स्ट्रांग बच्चा बन सकता है इस 14 साल की उम्र के अंदर, कि ये जेल जैसे अदारे में जाता है और कैदी बच्चों को पढ़ा सकता है, ये FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी का एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन का मेंबर बन सकता है, ये बच्चा दी एजुकेशन फाउंडेशन जैसे अदारे में जाता है और एज अ काउंसलर काम कर सकता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकता है, बच्चों की थेरेपी कर सकता है, तो इस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है या उस सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है जहां नॉर्मल बच्चे ये सब नहीं कर रहे हैं? इस उम्र का कोई एक बच्चा किसी टॉप क्लास के स्कूल से आप निकाल लें जो 13 साल की उम्र में रहा हो, और वो ये तो आदम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है। अगर आदम किसी मुल्क से बाहर होता तो आज गिनीज बुक में और ये मुल्क का नेशनल हीरो की शक्ल में आपके लोगों के सामने आया हुआ होता, क्योंकि यहां सब बेचारे अपने पेट रोटी से ही नहीं फुर्सत पा रहे, दूध के डब्बे से, यूटिलिटी के बिल से और इस तरह की जुमला चीजों से। उनको फुर्सत मिले तो फिर वो सोच सके ना। अच्छा, वो देख सके। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं रफिया, नादिया बात कर रही हूँ। जी नादिया, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से। अपना एक अपने प्रॉब्लम या अपनी एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। शोर को है। मेरी माशाल्लाह से बेटी है जो 3 साल की है। At the time of delivery, doctor ने like she was very healthy, like वो 4 kg की थी, और doctor ने उस वक्त उसका हाथ stretch कर लिया।
ओके सही है, तो वो हाथ ऐसा समझे कि डेड हाथ, लाइक उसका आर्म था बिल्कुल मूव नहीं करता था, ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल पड़ा हुआ हाथ ना, हमें उठा के रखना दिखाया। एक ने कहा जी आप उसके हाथ को इस तरह से रखें, एक पोजीशन में रखना है, दूसरे का नहीं ये बहुत ही पुराना निजाम है उसको इस तरह से रखें, तीसरे ने कहा नहीं अच्छे इस तरह से, तो वो सब चीज़ें होते 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 फिर उसकी फिजियोथेरेपी, फिर ये सब चीज़ें इतना मेंटली स्ट्रेस में एक टॉर्चर था ना कि बहुत प्रॉब्लम रखता था। सही। तो मेरा ये कहने की लाइक मैं ये शेयर कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम है लाइक कोई भी अगर है, वो सब उन्होंने मुझसे कहा कि अब इसका सिजेरियन होता तो ये प्रॉब्लम ना होता, अगर वो पहले ही ये चीज़ बता देते तो शायद मैं इतनी प्रॉब्लम से ना गुजरती। सही। अच्छा कोई ऐसी बात तब डिस्कस हो रही थी कि इनका सिजेरियन करें और आपने इंसिस्ट किया कि नहीं सिजेरियन नहीं, नहीं करें? नहीं, कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। वेल देन दे वर जस्ट लुकिंग फॉर रीजन टू ब्लेम ऑन देन, यू नो, इस तरह की चीज़ होगी। चले अब ये है कि अब उनकी उम्र जो है वो 4 साल हो गई है एंड शी स्टिल हैज दैट